ये जो मैंने आज मैदे का डो बनाया था, मैंने इसे पटेटो से फ्राइज बनाए, कस्टर्ड का वो लगा के, पेस्ट लगा के, और उससे मैंने चाइन स्लिप बनाई। अब मैंने उसी मैदे से, मैं आपको एक नए तरह की मठरी बता रही हूँ। मैं भी शायद आप लोगों के लिए नई ना हो, बट जब मैं इस तरह की कोई चीज बनाती हूँ तो जो बचा हुआ डो है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देखिए, इसी डो से मैंने ये हल्का सा रोल बना लिया। इसके मैं तीन साइज के कट करूंगी, सबसे छोटा, फिर बीच का, और फिर ये बड़ा। ये तीन साइज के मेरे पास पीस हो गए हैं इसके मैदे के, सबसे छोटा, बीच का साइज और ये सबसे बड़ा साइज। इसके तीन ही तरह की मैं मठी, ये तीन साइज की बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये मेरा चकला ग्रीस कर रखा है। इस ग्रीस किए हुए चकले से मैं ये तीन साइज बना रही हूँ। ये देखिए, ये तीन साइज की मैं गोल पीस बना रही हूँ, सबसे छोटा। ये जब तीन साइज मेरे पास बन गए हैं, ये फूल ना जाए पूरी पूरी की तरह से, इसलिए मैं इनको हल्का सा ऐसे कट कर दिया मैंने, हल्का सा, ये हल्का सा मैंने इसको कर दिया, ये देखिए, जिससे ये फूले ना। अब मैं इसके एक, दो और तीन कट लगा रही हूँ, और बिल्कुल सेंटर में हल्का सा डॉट पानी का लगा के, और फिर दूसरी मैं इसके ऊपर फिक्स करूंगी, ये छोटे साइज की, उससे, ये देखिए, ये मैं इसके ऊपर इस तरह से बिठाऊंगी कि ये कट इसके इस तरह से आ जाए, ठीक है। ये फ्रेंड्स, ये देखिए, उसके बाद सबसे छोटा, इस पर भी मैंने पानी का ये हल्का सा ड्रॉप लगाया, और मैं इसको इस तरह से बंद कर रही हूँ। अब ये जो मठरी है इसको मैं एक लौंग से बंद कर रही हूँ। ये देखिए, लौंग को थोड़ा सा काट लेते हैं, या इसमें हम काली मिर्ची भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें काली मिर्च लगा सकते हैं। ये एक फ्लावर बन गया। ये तो बनाया है मैंने बचे हुए मैदे के डो से फ्लावर। इसी मैदे को आप जब डो बनाते हो तब उस डो को हल्के से बीटरूट के पानी से आप यदि बनाते हो तो वो आपके पिंक कलर के फ्लावर्स बन जाएंगे। थोड़ी सी पालक मिक्स करते हो तो ग्रीन कलर के फ्लावर्स बन जाएंगे, और थोड़ा सा येलो कलर या हल्दी मिक्स करते हो तो उसके और अलग कलर में आ जाएंगे, येलो कलर के आ जाएंगे। ग्रीन, येलो, पिंक, इस तरह से आप फ्लावर बना सकते हैं, अपनी प्लेट सजा सकते हैं अलग अलग कलर के फ्लावर्स से। और ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया फ्लावर। इसको मैं तलती हूँ, और इन फ्लावर्स के हल्के हल्के किनारे भी आप चाहो तो मोड़ सकते हो, नहीं मोड़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन ये हमारा फूल मठरी बन गई है ये हमारी। ये देखिए, हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर्स मैं इसमें तेल में डाल रही हूँ। एक बात और थी फ्रेंड्स, ज्यादातर जो तलने का जो काम होता है वो मैं लोहे की कढ़ाई में करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि लोहे में बना हुआ कोई भी चीज है वो हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया रहती है। लोहे में बनाते हैं तो आयरन के अंदर यदि हम सूखी सब्जी बनाते हैं या कुछ फ्राई करते हैं तो लोहे का कुछ अंश भी उस हमारे फूड में आता है, तो आयरन ठीक रहता है तलने के लिए, कुछ पकाने के लिए, कोई भी सूखी सब्जी कुछ बनाने के लिए आयरन सही रहता है। ये मेरी फूल मठरी बिल्कुल तली जा रही है, बिल्कुल लाइट सिम आंच है इसमें, आंच को तेज नहीं करना, तीनों लेयर फिर पकती नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी फूल मठरी ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। और दूसरी बात एक और कह रही थी कि मैंने अभी आपको बताया बीटरूट, पालक, टमाटर या फिर हल्दी, हल्दी चाहे कच्ची हल्दी हो चाहे पाउडर हल्दी हो, कोई भी हल्दी हो, आप अलग अलग कलर से ये फूल मठरी बना सकते हैं। और जब हमारे त्योहार आते हैं, होली है, दिवाली है, आप रंग बिरंगी फूल मठरी बना के अपने गेस्ट के आगे सर्व कीजिए, और
त्योहार का भी मजा लीजिए और मठरी को चाय के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।